हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक कैसे निकाला जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, आप बाय पोस्ट के द्वारा भी मंगा सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज तक जितने भी आपका ट्रांजेक्शन किए होंगे सभी आपका यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले, इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये स्क्रीन पे आईडी दिख रहा होगा एमकेपी गुड टिप्स, ये अगर आप डालेंगे तो आपका इंस्टाग्राम वहां पे मेरा आ जाएगा, इस चैनल का आ जाएगा। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, वहीं पर सारा कुछ आपको जानकारी दिया जाएगा। सबसे पहले आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे एम पिन से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लॉगिन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप एमपिन से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको जो है IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट का डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बैलेंस शो कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में है सर्विस का एक ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ईमेल आईडी पर, एक बाय पोस्ट के द्वारा। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो है ईमेल पर मंगवाना है तो ईमेल पर हम क्लिक करेंगे। तो आपको यहां पे सिलेक्शन करना है कि आपको क्वार्टरली मंगवाना है या मंथली मंगवाना है या हाफ अर्ली मंगवाना है या ईयरली मंगवाना है। तो हमको जो है मंथली मंगवाना है तो मंथली पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है बाय पोस्ट के द्वारा, आप जो भी मंगवाना चाहते हैं आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद चलिए हम ईमेल पर क्लिक करके जो है यहाँ पर मंथली पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमको ईमेल पर मंगवाना है, मंथली बाय मंथली हमको मंगवाना है। तो यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पे इंटर करके सबमिट कर देंगे तो आपका स्टेटमेंट ऑप्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको ईमेल पे भेज दिया गया है। तो चलिए हम आपको ईमेल ओपन करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IPPB स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पे आपके ईमेल पे पासबुक जो है सेंड कर दिया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां पे डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आप ओपन करेंगे। तो ओपन करने से पहले आप पासवर्ड यहां पे मांगा जाएगा। तो पासवर्ड क्या है आपको यहां पे देना है, सबसे पहले आप उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे कि आपका नाम है श्याम गुप्ता, ठीक है। उसके बाद आपको जन्मतिथि है 10/8/1989। तो आपको पासवर्ड में देना है श्याम, यानी कि शुरू के 4 अक्षर वो भी कैपिटल में। उसके बाद अगर आपका 10 तारीख का जन्म हुआ है वो आप 10 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोमा ओमा स्पेस कुछ नहीं देना है। उसके बाद अगर 8वां महीना नौवां या जनवरी फरवरी में आपका जन्म हुआ है तो वो आप देंगे 0 लगा के, जैसे कि मेरा जन्म हुआ 8 महीने में तो 08 देंगे। उसके बाद ईयरली पूछा जाता है, ईयरली का ये मतलब है जैसे 1992 हो गया, 1989 हो गया, तो आपको 1918 नहीं देना है। तो आपको लास्ट वाला जो दो अंक होता है वो आपको देना है। जैसे कि 1989 हो गया तो आपको 89 ही सिर्फ आपको देना होगा, तो आपको पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे कि और भी एक हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे SR गुप्ता आपका नाम है, तो SR गुप्ता में आपको कैसे 4 अक्षर शुरू से कैपिटल में लेना है। तो SR आप ले लीजिए, SR उसके बाद GU ले लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप समझ चुके हैं कि आपको डेट देना है, उसके बाद मंथ में 0 लगा के देना है, उसके बाद ईयरली जो 4 अंक होता है उसका लास्ट का जो है अंक 2 आपको देना है। जैसे 1985 हो गया तो 1900 नहीं देना है, आपको 85 देना होगा, तो आपका सक्सेसफुल पासवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड करके, इसे जैसे ही आप PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में एक शो करेगा PDF, तो यहाँ पे आप इसे जो इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन कर पासवर्ड दे के इंटर करना है, उसके बाद आपका जो है पासबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड जो है इंटर कर चुके हैं, जैसा कि हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है जितना भी आप स्टेटमेंट आपका मंथली में हुआ होगा या आप ईयरली में सेलेक्ट किए होंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल हम आपको दिखाते हैं,
ये देखिए पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे पासबुक निकाल सकते हैं और कहीं पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कुछ हेल्प किया हो, जानकारी इसमें आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर हम आपको तरह तरह के अपडेट देते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।